हाय फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले 1 जुलाई को हम गए थे वृद्धाश्रम। मातोश्री वृद्धाश्रम नासिक रोड एरिया में है। हम हर 1 जुलाई को वहाँ जाते हैं। मैं हर साल अपने बच्चों को भी ले जाती हूँ, लेकिन इस साल उनका स्कूल था तो नहीं जा पाए। हम वहाँ जाते हैं बस उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए। वहाँ इंतज़ाम इतना अच्छा है उनका, अरेंजमेंट कि दे डोंट नीड मच। जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें, वो ये है कि लोग उनके पास आएं, उनसे उनसे बातें करें, उनके साथ समय बिताएं, उनको इंटरटेनमेंट दें, म्यूज़िक एंड ऑल। वही हमने किया, उसकी एक झलक लेकर आई हूँ आपके सामने। अब ये जो आगे लड़कियाँ आप देखेंगे बैठी हुई हैं, ये असम से आई हैं। कुछ अपने पूरे परिवार को खो बैठी हैं और कुछ अपने पिताओं को। तो इनको आश्रय मिला है इन बुजुर्गों के साथ, इनके प्यार की छांव में ये लोग हैं। जब भी आपको सौभाग्य मिले किसी भी वृद्धाश्रम में जाने का, अनाथ आश्रम में जाने का, प्लीज़ उनको सिंपथी मत दिखाइएगा, उन पे दया मत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए, उनको हंसी मजाक कीजिए, उनको वही चाहिए। हमने वही किया। अब आप कहेंगे ये अनहेल्दी फूड क्यों दे रहे हैं, जंक फूड क्यों दे रहे हैं। मैंने फिर से मैं आपको बताऊं, उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हम दोस्त बन के गए थे साथ में कुछ समय, कुछ पल बिताने के लिए, उनकी कहानियाँ सुनने के लिए। ये उनकी वार्डन हैं जो जैनिज़्म फॉलो करते हैं। ये लोग वहाँ बुज़ुर्गों को रखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या नहीं क्या दिया हमने, पर लेकर बहुत सारी खुशियाँ, दुआएँ और आशीर्वाद आएँ और मन की शांति। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।